मैं कौन सा नहीं मार रहा। तो ऐसे ही जो कोई भाई है उन्होंने बोलते भाई कौन सा मार रहा है तुम में से। तो उस टाइम पे वो बात बहुत बुरी लग गई यार, इसने तो व्यक्ति कर दी। एंड हम तो नीचे दिखा दिए बहुत ज्यादा, क्योंकि उस टाइम पे एज भी तो ऐसी थी कि जो लग जाती लग जाती है बात। चलो ऐसा टाइम भी आएगा, इसको भी फेल करना है। है 3 साल में मैंने वो फेल कर दिया बिल्कुल, क्योंकि मैं ओके पहले पावर लिफ्टिंग करता था, पहले मैं बेंच प्रेस ओके खेलता था पहले। तो मेरी हाईएस्ट बेंच मैंने मार रखी है 195। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो आ गया ना असली आपके आर्म्स की जो नींव है वो पावर लिफ्टिंग की रखी हुई है। हमने भी अपने कोच से अपने टाइम पे यही सीखा था, और फ्रेंको कोलंबो जो आर्नोल्ड का ट्रेनिंग पार्टनर था वो भी यही कहता है कि जिसने हैवी वेट से दोस्ती कर ली उसकी फिजिक अच्छी बनेगी ही बनेगी। अब आपकी एंड्रे ड्यू वाली चीज या उससे 21 आप किस लिए हो, या अभी मैं ये तो नहीं कहूंगा लेकिन मेरी आंखें ये क्लियर देख पा रही हैं कि कमिंग टाइम में आप ऐसे ही कंसिस्टेंसी से लगे रहें, आप एंड्रे ड्यू से 21 जाएंगे। आपके जो आर्म्स है ना और ओवरऑल सिमेट्री है दैट इज जस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, अपनी कुछ एक कमियां ढूंढनी है और कंसिस्टेंट रहना है जी, आपने। तो आपने पावर लिफ्टिंग कही, दिल खुश हो गया, समझ में आ गया कि कहां से वो नींव रखी हुई है आपकी। हाँ भाई बोलो बोलो बोलो। आप सब भाइयों को सपोर्ट चाहिए और तो दिक्कत नहीं है फिर आगे। मैं बताऊं भाई, मैं मेरे को तो देख के, देखो आप स्टेज पे भी नहीं गए थे गोर क्लासिक में, पीछे टैनिंग ही कर रहे थे उसी टाइम, देखते ही मैं मगर दिस गाय इज एक्सेप्शनली वेल, ये आउट ऑफ द लीग है ये भाई। और आपको देखते ही पता नहीं अंदर से क्यों एंड्रेड्यू वाली फील आई, मेरे को नहीं पता वो आई, आज तक किसी के लिए नहीं आई। नहीं आई तो मैं मका भैया दिस गाय इज गोइंग टू डू इट बिग।